वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज से हम अपने मैक्रो का सेशन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ, लास्ट क्लास कहाँ पे थे हम। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मनी फ्लो के बारे में, जहाँ पर हमने टू इकोनॉमी मॉडल को लिया था। टू इकोनॉमी मॉडल में एक हमने सेक्टर रखा था फर्म और एक सेक्टर हमने रखा था हाउस होल्ड। और हमने वहाँ पर यह समझा था कि सबसे पहले हाउस होल्ड फर्म क्या करती है कि हाउस होल्ड को जो है फैक्टर पेमेंट करती है। फैक्टर पेमेंट क्या होता है कि जैसे कि एक फर्म के पास में लेबर होते हैं, फर्म के पास में एंटरप्रेन्योर होता है जो कि उस फर्म को चला रहा है, फर्म के पास में कैपिटल होता है, फर्म के पास में लैंड होता है, ये सारे फैक्टर हैं। तो फर्म के पास जो फर्म लैंड को यूज करती है तो इसके रिस्पेक्ट में वो रेंट पे कर देती है हाउस होल्ड को। फर्म जो लेबर यूज करती है तो उसके बदले में वेजेस दे देती है, कैपिटल यूज करती है इंटरेस्ट दे देती है। इसी तरीके से फर्म जो है इन फैक्टर्स का यूज करने के बदले में फैक्टर पेमेंट करती है हाउस होल्ड को, जो कि फैक्टर पेमेंट क्या क्या है, आपका रेंट है, वेजेस है, आपका इंटरेस्ट है एंड आपका एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दे देती है। तो ये चारों के चारों क्या है, फैक्टर पेमेंट है जो कि फर्म से हाउस होल्ड की तरफ जाता है। और हाउस होल्ड के पास में जो ये फैक्टर पेमेंट जो रिसीव करती है हाउस होल्ड, क्या करती है इसका, इसको फाइनल गुड्स के कंजम्पशन पर एक्सपेंड कर देती है। फिर ये पैसा वापस फर्म तक पहुंच जाता है और इस तरीके से वो पैसा जो फर्म ने हाउस होल्ड के पॉकेट में डाला था हाउस होल्ड ने वापस फर्म पे डाल दिया, फर्म ने फिर से वो फैक्टर सर्विसेज को यूज कर करके फैक्टर पेमेंट करा और फिर से ये पैसा हाउस होल्ड ने कंजम्पशन में फर्म के जेब में डाल दिया। तो ये इस तरीके से सर्कुलर फ्लो चलता रहता है, मनी सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। और इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि इस मनी इस सर्कुलर फ्लो से क्या होता है कि फैक्टर सर्विसेज फर्म को मिलते रहते हैं और उससे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता रहता है। और आज देखिएगा हम कितने सारे गुड्स एंड सर्विसेज को जो है यूज करके अपने जीवन को आसान बना करके बैठे हैं। तो ये इसका एक बेनिफिट होता है जो कि लास्ट क्लास में हमने सर्कुलर फ्लो के बारे में इस चीज के ऊपर हमने अच्छे से डिटेल में समझा भी था। क्लियर है जी। बात करते हैं अब आज के क्लास में क्या होने वाला है। हमारा सर्कुलर फ्लो उस समय टू इकोनॉमी मॉडल था जहां पर सिर्फ और सिर्फ हमने दो ही सेक्टर लिए थे, एक हाउस होल्ड सेक्टर लिया हमने और एक हमने फर्म सेक्टर लिया। आज हम जो है थ्री इकोनॉमी मॉडल पे भी जाएंगे और फोर इकोनॉमी मॉडल पे भी जाएंगे, दोनों पर हम जाएंगे, दोनों को समझेंगे। चलिए सबसे पहले उसको उस पर जाने से पहले, थ्री इकोनॉमी मॉडल पर जाने से पहले आप सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी के बारे में समझेंगे कि क्या है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखिएगा अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि सर ऐसा तो होता नहीं है कि फर्म ने जो फैक्टर पेमेंट करा हाउस होल्ड के पास में, फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने की कोशिश आपको करता हूं, समझने की आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है जी। एक इमेज से समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए ये हो गया फर्म, ठीक है जी, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये फर्म हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका हाउस होल्ड। एक आपका क्या हो गया, एक आपका जो है हाउस होल्ड हो गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूं एक फर्म क्या करती है, फैक्टर पेमेंट करती है। एक फर्म क्या क्या देती है, एक फर्म रेंट देती है, एक फर्म जो है वो वेजेस पे करती है लेबर को, एक फर्म जो है वो कैपिटल के बदले इंटरेस्ट पे करती है, एक फर्म जो है वो प्रॉफिट पे करती है। ये सारे के सारे फैक्टर पेमेंट फर्म एक हाउस होल्ड को देती है। लेकिन आप भी इस बात को जानते हैं कि आपके पास में वेजिस, अगर आपके पास में जितना भी वेजिस आया, मान लो कि पापा की जो सैलरी महीने की 20,000 रुपए है, तो आपको पता है कि सारा का सारा कंजम्पशन पर खर्च नहीं होता, ये आप भी जानते हैं। 20,000 रुपए में से मान लीजिए कि आपका 18,000 रुपए खर्च हुआ तो फर्म के पास रिटर्न में कितना जाएगा, 18,000 रुपए ही रिटर्न में गया, तो 2,000 रुपए क्या हुआ, वो जरूर 2,000 रुपए सेविंग में चला जाता है। मानते हैं इस बात को, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, वो 2,000 रुपए क्या चला जाएगा, वो सेविंग में रख लेते हैं, इस बात को तो आप मानते हैं। जबकि इससे पहले लास्ट क्लास में हम ये पढ़ रहे थे सर्कुलर फ्लो में कि फर्म जो भी फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो भी फैक्टर पेमेंट करती है वो सारा फाइनल गुड्स के और उसके कंजम्पशन पर एक्सपेंड हो जाता है, वापस सारा पैसा फर्म पे पहुंच जाता है। लेकिन मान लीजिए एज अ वेजेस अगर फर्म ने
20,000 रुपीज पे करा तो उसमें से तो 18,000 रुपए ही एक्सपेंडिचर हुआ फर्म तक, 18,000 ही वापस लौट के गया, 2,000 रुपए तो ये पॉकेट में रह गए, ये सेविंग कर लिया, क्योंकि सेविंग का नेचर होता है। इसी तरीके से किराया जितना आता है वो सारा का सारा खर्च नहीं कर देते हैं, उसमें सेविंग कर लेते हैं, इंटरेस्ट भी सारा खर्च नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में एक प्रोसेस है क्या, सेविंग। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो इसका तो एक इफेक्ट समझ में आएगा आपको। अब एक बात बताइए, आप पहले मेरी बात समझिएगा कि फर्म ने 20,000 रुपए का माल बनाया और इन्होंने खर्च 18,000 रुपए ही करा, तो फर्म का तो 18,000 रुपए का सामान बिका, तो 2,000 रुपए का सामान तो फर्म में ही रह जाएगा ना, वो बिकेगा नहीं, तो अनसोल्ड स्टॉक हो जाएगा फर्म के पास में, अनबिका माल बच जाएगा फर्म के पास में, बताइए जरा। अब जब फर्म के पास में, बात समझिएगा, फर्म ने इनसे 20,000 रुपए का काम लिया और 20,000 के गुड सर्विसेज का कलेक्शन करा और 20,000 रुपीज पे कर दिया, लेकिन उन्होंने 18,000 रुपए ही खर्च किए, बाकी 2,000 सेविंग कर लिया, तो गुड्स कितने का, 18,000 रुपए का ही जाएगा, बाकी 2,000 रुपए का जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो फर्म के पास में ही बच गया। इसे कहते हैं अनसोल्ड स्टॉक, अनबिका माल बच गया। लेकिन अनसोल्ड स्टॉक बहुत जो है डेंजरस सिचुएशन होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी फर्म के लिए। अब एक बार बताइए कि अगर मेरे पास में या इकोनॉमी के अंदर अनसोल्ड स्टॉक है, अनबिका माल है, तो अब फर्म वापस से क्या उतना प्रोडक्शन करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि वो वेट करेगी पहले मेरा ये सामान बिक जाए। तो इससे क्या होगा कि इससे वो वापस जो है उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं करेगी, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा इकोनॉमी के अंदर, बेरोजगारी की अवस्था पैदा होगी। तो ये एक भयंकर स्थिति है, लेकिन इस स्थिति से कैसे बचा जाता है, इस स्थिति को आप समझिएगा, इस स्थिति से हम कैसे बच सकते हैं, इस बात को समझिएगा। क्या होता है, जो हाउस होल्ड ने 2,000 रुपए जो बचाए, समझिए इस चीज को, हाउस होल्ड ने जो 2,000 रुपए बचाए, ये 2,000 रुपए क्या हुआ कि रखेगा कहां पे हाउस होल्ड, एक जगह है जिसका नाम है बैंक। क्या नाम है इसका, एक जगह है जिसका नाम है बैंक। तो ये हाउस होल्ड बैंक में जाकर के अपना पैसा जमा करवाते हैं, आप अपने परिवार को देख लीजिए, क्लियर है, बैंक में आ गए 2,000 रुपए। अब बैंक में 2,000 रुपए आए तो क्या हुआ, ये फिर से फर्म पहुंच गई बैंक के पास में, और बैंक के पास में क्या करा, इसने एक लोन ले लिया, किससे, बैंक से। तो ये 2,000 रुपए वापस कहां पर पहुंच गया, एक हाउस होल्ड के पास, एक फर्म के पास पे पहुंच गया। फर्म लोन लेकर के क्या करती है, बैंक से जो है अपना जो कुछ प्लांट एंड मशीनरी, मतलब कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट कर देती है, एक नए प्लांट लगा देती है। तो उससे क्या हुआ कि जो वो सेविंग है, वो सेविंग वापस फर्म तक पहुंच जाते हैं वो पैसा, और वो सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। लेकिन जरूरी ये है कि जो पैसा है वो बैंकों के थ्रू वो एक इन्वेस्ट हो जाए, तो जो इसकी सेविंग है वो वापस इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाने से, वो जो लीकेज होता है ना, जो 2,000 रुपए का लीकेज हो गया, जो पैसा इकोनॉमी से हट गया था, उसको बैंक में डाल देने से वापस वो इकोनॉमी के अंदर पैसा आ जाता है, और फिर से गुड्स एंड सर्विसेज का जो है प्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब आप फर्म का मतलब यह मत समझिए कि मैं उसी फर्म की बात कर रहा हूं जिसका अनसोल्ड स्टॉक बच गया, सभी फर्मों को एक यूनिट के रूप में माना गया है, उसको हम एक फर्म के तौर पर देखिए। आप भले ही उस फर्म ने जिसका अनसोल्ड स्टॉक बचा उसने लोन नहीं लिया हो, किसी और फर्म ने लोन लिया हुआ हो, लेकिन वो भी क्या करेगा, बिजनेस स्टार्ट कर करके वो भी तो रोजगार देगा, वो पैसा इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में यूज में तो आ रहा है ना। तो पहले आप इस प्रोसेस को समझ पाए, आप इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग के इस अप्रोच को। तो क्या कहता है ये कहता है, वास्तव में परिवार क्षेत्र अपनी समस्त आय को व्यय नहीं करता है। आप समझिए इस बात को, जो हाउस होल्ड है अपने एंटायर इनकम को वो एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट नहीं करता है, उसका कुछ भाग वो बचा लेता है। परिवार क्षेत्र द्वारा की गई बचत देखेंगे, इन रियलिटी द हाउस होल्ड सेक्टर डज नॉट स्पेंड्स ऑल इट्स इनकम, रादर इट सेव्स अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है ना। द सेविंग अफेक्टेड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर विल बी अ शॉर्ट और मॉनेटरी विड्रॉल फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ द नेशनल इनकम। उसकी सेविंग क्या करती है, जो सर्कुलर फ्लो में से वो क्या कर देती है, विड्रॉल कर देती है, मॉनेटरी विड्रॉल कहते हैं उसको, जो 2,000 रुपए है उसको मैं मॉनेटरी विड्रॉल कहूंगा, मॉनेटरी विड्रॉल। द टोटल इनकम ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर विल नॉट रीच द प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो हाउस होल्ड का टोटल इनकम हुआ था वो सारा का सारा वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक नहीं पहुंच पाता है कंजम्पशन के तौर पे। पहले बताइए ये बात समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है। लेकिन अगर वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं
बैंक में ही सेविंग करते हैं जनरली लोग, तो बैंक के थ्रू वो पैसा वापस हाउस फर्म तक पहुंच जाता है, फर्म क्या करता है उसको कैपिटल गुड्स के अंदर इन्वेस्ट कर करके और उस पैसे को फिर से इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो के अंदर वो पैसा इन्वॉल्व हो जाता है। हाँ वो खतरनाक है जो आपने पैसा बचाया घर में गड्ढा खोद के उसमें दबा लिया, वो पैसे जो है ना वो इकोनॉमी को कहीं ना कहीं हार्म करते हैं, इकोनॉमी को वो नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि इकोनॉमी से विड्रॉ हो जाता है, मॉनेटरी विड्रॉल की वजह से इकोनॉमी की कैपेसिटी कम हो जाती है गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की। और जब गुड्स सर्विस प्रोडक्शन कम होगा तो पता है आपको कि वहां से आपकी जो है एक तरीके से रिसेशन भी आ सकता है और इन्फ्लेशन भी जा सकता है, खासकर पॉसिबिलिटी रहती है इन्फ्लेशन आने की, महंगाई आने की। ये बात समझ में आपको आया नहीं आई, इसलिए तो आप पढ़ रहे इकोनॉमी, थोड़े आप समझदार हो जाएंगे, थोड़े नहीं ज्यादा समझदार हो जाएंगे, थोड़े तो आप अभी ही हैं। देखिए अब क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ हुआ कि फर्में उत्पादक क्षेत्र का उत्पादन उनकी बिक्री से अधिक होगा, मतलब कि जितना भी प्रोड्यूस करा प्रोडक्शन सेक्टर ने उतना उसका सेल नहीं हो पाया क्योंकि फर्म ने पूरा पैसा खर्च किया ही नहीं कंजम्पशन पर, जितना उन्होंने उत्पादन करा और उसने खर्च कुछ सेविंग कर ली तो फिर क्या हुआ कि सारा सेल नहीं हुआ, कुछ अनसोल्ड स्टॉक हो गया। किंतु यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा फर्मों की बिक्री को सर्जित आय के बराबर किया जा सकता है। तो अब क्या कह रहा है, इट मींस द प्रोडक्शन ऑफ द फर्म विल बी मोर देन देयर सेल्स, जितना प्रोडक्शन करा वो सेल से ज्यादा है। बट देयर इज वन मेथड ऑफ द इक्वेटिंग द सेल्स ऑफ द फर्म विद द इनकम जनरेटेड, द फर्म मे बी अज्यूम टू प्रोड्यूस कैपिटल विच विल बी द बोट एंड सोल्ड अमंग द प्रोड्यूसर्स themselves। तो यहां पर एक काम कर सकती है फर्में, क्या नए नए फर्में लगेंगी और वो क्या करेंगी, वो पैसा बैंकों से लोन के तौर पर लेगी, तो जो वो आपका मॉनिटरी विड्रॉल था वो वापस फर्मों तक पहुंच जाएगा और फर्में उसको क्या करेंगी कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कर करके या कैपिटल गुड्स जो है उसका बाय कर लेगी। इफ द टोटल इन्वेस्टमेंट आई, इन्वेस्टमेंट को किससे बताते हैं आई से, इफ द टोटल इन्वेस्टमेंट आई ऑफ प्रोड्यूसिंग सेक्टर इज इक्वल टू द टोटल सेविंग एस, मतलब ये आई इक्वल्स टू एस, जितनी सेविंग हुई सारा का सारा बैंकों में इन्वेस्ट हो गया, इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर आपने अपना पैसा बैंक में रखा है तो वो आपकी सेविंग इन्वेस्ट, आपने जो बचाया घर में पैसा वो सेविंग, बैंक में रख दिया तो वो इन्वेस्टमेंट हो जाता है। क्यों, उस पर आपको ब्याज इंटरेस्ट मिलता है या नहीं मिलता है, मिलता है ना, इनकम जनरेट हो जाती है ना आपकी, इसलिए उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्लियर है। ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर देन द इकोनॉमी विल बी वंस अगेन इन द इक्विलिब्रियम मॉडल टू। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कैसे और क्या होता है। देखिएगा, हमने टू इकोनॉमी मॉडल समझा था लास्ट क्लास में, लेकिन उसके अंदर सिर्फ हमने फर्म लिया था और हमने वहां पर हाउस होल्ड सेक्टर लिया था और हमने ये अज्यूम किया था कि हाउस होल्ड सेक्टर अपने एंटायर इनकम को गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन पर एक्सपेंड कर रहा है। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था, उसके अंदर हमने कैपिटल मार्केट नहीं लिया था। जैसा कि आप आज की क्लास में देख रहे हैं कि मैं वही टू इकोनॉमी मॉडल समझा रहा हूं आपको, बट विद द कैपिटल मार्केट, यहां पर मैंने कैपिटल मार्केट भी ले लिया है। क्या हुआ जरा पहले आप समझिएगा, शुरुआत करते हैं हम यहां पर प्रोड्यूसिंग सेक्टर से, प्रोड्यूसिंग सेक्टर मींस फर्म से। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप देखेंगे ये फर्म जो है ये क्या करेगा, फैक्टर पेमेंट करेगा हाउस होल्ड को, फैक्टर पेमेंट करेगा, क्या वो हाउस होल्ड को वेजेस पे करेगा क्योंकि उसका लेबर इस्तेमाल कर रहा था ये, उसको रेंट देगा क्योंकि उसका लैंड यूज कर रहा था, उसको इंटरेस्ट देगा क्योंकि उसका कैपिटल यूज कर रहा था, उसका प्रॉफिट देगा क्योंकि वो उसका एंटरप्रेन्योर यहां बैठा था। तो एक फर्म ने क्या करा, फैक्टर पेमेंट करा, फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो पेमेंट की जाती है वो फैक्टर पेमेंट होता है, और फैक्टर पेमेंट में क्या हुआ, उसने रेंट दिया, उसने वेजेस दिया, इंटरेस्ट दिया एंड प्रॉफिट दिया, और इस तरीके से हाउस होल्ड सेक्टर में चला गया। और हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या करा, उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा, उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करके फर्म तक पहुंचा दिया, लेकिन सारा का सारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं करा, हाउस होल्ड ने कुछ पैसा क्या करा, सेविंग कर दिया, कहां पर, कैपिटल मार्केट में जाकर के कुछ पैसे को सेव कर दिया, और कैपिटल मार्केट से इन्वेस्टमेंट और लोन किसने ले लिया, प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने ले लिया। तो यहां पर क्या हुआ, वापस पैसा आपका प्रोड्यूसिंग सेक्टर तक पहुंच गया और इकोनॉमी फ्लो चल रहा है। इस बात को आप समझे या नहीं समझे, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए जरा। बीच में आपकी क्लासेस इसलिए यहां पर जो है ऑफ दिया गया था क्योंकि आपका एक एग्जाम था 9 तारीख को, ठीक है। अब आपकी क्लासेस जो आपका टाइम टेबल है MWF 5 बजे, उसी टाइम टेबल पर आपकी क्लासेस कंटिन्यू कंटिन्यूटी बनी रहेगी। निशा, कीर्ति, हीना, अदिति बताइए जरा, किसी को कुछ ऑडियो में वीडियो में प्रॉब्लम है, क्योंकि सोनिया की कंप्लेन आ रही है कि सर कुछ वीडियो में जो है विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है, तो बताएं अगर कोई प्रॉब्लम है तो, बाकी बच्चे कमेंट करके तो उसको देखते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है बाकी बच्चों को
तो इसका मतलब है कि फिर उनका अपना नेट इश्यू हो सकता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे मेरे प्यारे, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो उसी बातों को जो है, जो बातें बताई गई हैं वही बातें रिपीट हो रही हैं। क्या? परिवार क्षेत्र जो बचत करता है, जो सेविंग करता है, उसे पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट में, बैंक, वित्तीय निगमों आदि वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से, मतलब हमारी सेविंग जाती कहाँ है? बैंक में चली जाती है, LIC में चली जाती है, पोस्ट ऑफिस में चले जाते हैं, कहीं भी चले जाए, इन सबको कैपिटल मार्केट कहते हैं। ठीक है जी, कैपिटल मार्केट में हमारी सेविंग जाती है और वे पैसा, अब आप खुद सोचिए जरा, आप मेरी बात समझिएगा, बैंकों के पास में आप पैसा अपना रखवाते हैं, बैंक बदले में आपको ब्याज देता है, तो बैंक कहां से ला रहा है पैसे? बैंक आपको ब्याज क्यों दे रहा है? इतने एम्प्लॉय खर्चा क्या चला रहा है? भाई साहब, जो पैसा आपने बैंक में रखा है, बैंक अगर उस पर आपको 5% दे रहा है, तो आपके पैसे को आगे 15% पर लोन दे रहा है। मतलब 1 लाख रुपए अगर बैंक के पास में है, तो वो आपको साल का 5,000 रुपए ब्याज देगा, आपके 1 लाख रुपए को उधार चढ़ा कर करके वो 15,000 रुपए ब्याज सामने वाले से लेगा। तो 15,000 ब्याज लेकर के 5,000 आपको दे दिया, 10,000 रुपए बैंक का प्रॉफिट हो गया। उसमें उसने अपने एम्प्लॉय का तनख्वाह भी चलाया और सब कुछ चलाया। आप बोलोगे सर 10,000 में कैसे चलेगा मेरे लाल? 1 लाख रुपए थोड़ी बैंक में डिपॉजिट होते हैं, बैंक में हजारों करोड़ों रुपए जो है जमा होते हैं, 5-5 हजार करोड़ तो लोग लेके भाग जाते हैं बैंक से। अगर 10% का मार्जिनल बैंक रख रही है, तो बच्चे आप इस बात को जरा समझिएगा, 1 करोड़ पर ही 10 लाख रुपए हो जाते हैं। और अगर एक ब्रांच ही अगर जो है वो 100 करोड़ रुपए का अगर वो कर रही है, तो 1 करोड़ रुपए तो उसका वैसे ही हो गया 10% का अगर मार्जिन रख रही है तो। और 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, मेरी बात समझे ही नहीं समझे, सॉरी 100 करोड़ रुपए है तो 10 करोड़ रुपए, तो 10 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम हो गई, 2-3 करोड़ रुपए में खर्चा चला लेगी पूरे साल का, और 7-8 करोड़ तो फिर भी बचा लेगी। तो इसलिए बैंक काम करती है, मेरी बात समझे समझे। तो बैंक क्या करती है? बैंक का काम ही है हमसे पैसा एक्सेप्ट करना हमारे डिपॉजिट को, और उसको लोन के तौर पर आगे लोगों को पर्सनल लोन या फिर किसी फर्म को लोन दे देना। क्लियर है जी, ये बात समझ में आपको आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं पहले आपको एक चीज समझा देता हूँ, 3 इकोनॉमी मॉडल समझाना है मुझे। ये 3 इकोनॉमी मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल। 3 सेक्टर में एक नया सेक्टर कौन सा आएगा? अब तक कौन कौन से सेक्टर थे? अब तक एक सेक्टर कौन सा था आपका? फर्म था। एक सेक्टर कौन था आपका? हाउस होल्ड था। अब एक जो नया सेक्टर आएगा वो कौन सी आएगी? वो नया सेक्टर आपका गवर्नमेंट होगा। ठीक है, क्लियर है? वो आपका कौन सा होगा? गवर्नमेंट होगा। एक नया सेक्टर आपका गवर्नमेंट हो गया। थर्ड सेक्टर आपका कौन सा है? गवर्नमेंट सेक्टर है। भाई साहब, गवर्नमेंट भी तो है इकोनॉमी में, आपको क्या लगता है? मेरे मुझे जो तनख्वाह मिलती है या फिर जो मुझे मेरी इनकम होती है, क्या वो सारा पैसा मैं कंजम्पशन में खर्च कर देता हूं? नहीं। आप कहोगे सर आप सेविंग भी करते हो, ठीक है, आपको क्या लगता है मुझे जो मेरी इनकम होती है उसको मैंने कंजम्पशन पर और सेविंग पर ही डालता हूं मैं? बिल्कुल गलत। मेरी जो इनकम होती है उसमें से मैं टैक्स पे कर देता हूं, तो जो मुझे फर्म से इनकम हुई, जो फर्मों के माध्यम से मुझे पैसा मिल रहा है, उस पैसे में से कुछ तो मैंने टैक्स में डाल दिया, गवर्नमेंट को दे दिया, सरकार को दे दिया, कुछ मैंने सेविंग कर दी, और बाकी पैसा मैंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करके फर्म को वापस लौटा दिए। लेकिन दो पैसा फर्मों तक वापस कैसे जाएगा? जो मैंने सेविंग की कैपिटल मार्केट में, वो तो कैपिटल मार्केट से वो लोन ले लेगी और वापस चला जाएगा फर्मों का पैसा। लेकिन वो पैसा जो मैंने सरकार को टैक्स दे दिया, उसका क्या? वो पैसा भी फर्मों तक वापस चला जाता है। कैसे जाता है सर? गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट फर्मों को सब्सिडी दे देगी। सब्सिडी का मतलब समझते हैं क्या होता है? जैसे मान लीजिए पहले जो है गैस सिलेंडर 1,000 रुपए का आया करता था, 1,000 रुपए का जो है किसी फर्म को बनाने का खर्चा आया करता था, ठीक है, और जो है पब्लिक उसको 500 रुपए उसको अफोर्ड करती थी। तो 500 रुपए क्या हुआ? गवर्नमेंट
हमारे ब्याज पर कंपनी को पे कर दिया करती थी एज अ सब्सिडी, जिसे हम क्या कहते हैं, सब्सिडी कहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी फर्में हैं, जैसे कि मान लीजिए जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, जो नेसेसरी चीज होती है, अब जो वाइन बना रही है, लिकर बना रही है, उनको थोड़ी सब्सिडी मिलेगा। जो कि फर्टिलाइजर बना रहे हैं, यूरिया बना रहे हैं, उनको सब्सिडी देती है ताकि इनका कॉस्ट कम रहे और ये चीजें सस्ते दामों पर अवेलेबल हो जाएं गरीब किसानों तक, और इससे जो है इकोनॉमी अच्छी तरीके से काम कर पाए। तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, सब्सिडी के माध्यम से इस टैक्स का, हमारे टैक्स के पैसा जाता कहाँ है, हमारे टैक्स के पैसा दो ही जगह जाता है, या तो गवर्नमेंट जो है रेलवे जैसे अपनी कुछ कंपनियां खोल रखी है, अपनी फर्म है गवर्नमेंट की उसमें लगा देती है तो फिर भी पैसा फर्म पे पहुंच गया, अदरवाइज किसी अदर फर्म को सब्सिडी देती है तब भी हमारा पैसा वहां तक पहुंच गया। तो वो पैसा जो है, या फिर गवर्नमेंट एक काम और करती है, क्या सिर्फ बैंक ही लोन देती है, गवर्नमेंट भी तो लोन देती है, एक तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर देती है। देखिए गवर्नमेंट जो है बहुत सारे काम करती है, गवर्नमेंट के अपने कुछ फर्म भी हैं, जैसे कि एक रेलवे हो गया, ONGC हो गया, पेट्रोलियम का हो गया, सरकारी कंपनियां भी बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है सरकारी कंपनियां नहीं है। तो गवर्नमेंट कंपनियां भी चलाती हैं, गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट भी करती है, शेयर मार्केट में भी पैसा लगाती है गवर्नमेंट, कंपनियों में पैसा लगाती है, और गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। तो जो पैसा गवर्नमेंट में पैसा आता कहां से है, गवर्नमेंट में पैसा टैक्स के माध्यम से आता, और इसी टैक्स के माध्यम को अगर उसने सब्सिडी दे दिया तब भी फर्म पे लौट गया, अगर उसने अपने फर्मों पर लगा दिया तभी वो फर्म पे पैसा लौट गया, अगर उसने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया तभी पैसा फर्म पे चला गया। सरकार कहीं भी खर्च करे पैसा वापस कहां जा रहा है, फर्म में जा रहा है। मैं इसको एक इकोनॉमिक मॉडल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस थ्योरी को पढ़ेंगे, अभी लौट करके आऊंगा पढ़ाऊंगा। हाँ जी आ जाइए, 3 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल जिसमें कि मैं कैपिटल मार्केट जरूर लूंगा, चलो समझिएगा आप। पहले सबसे पहले शुरुआत कहां से करते हैं भैया, पैसा सबसे पहले कहां से जनरेट होता है, पैसा सबसे पहले जो जनरेट होता है वो एक प्रोड्यूसिंग सेक्टर से होता है। सबसे पहले प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या कर रहा है, एक फैक्टर पेमेंट कर देता है चुपचाप से, जो कि वेजिस है, इंटरेस्ट है, रेंट है एंड प्रॉफिट है। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये पेमेंट क्या करा, ये एक सबसे पहले हाउस होल्ड को पहुंचा दिया, हाउस होल्ड को पहले पूरा फोकस करते हैं। अब हाउस होल्ड पर जो पैसा आया, हाउस होल्ड ने क्या करा, इस पैसे को सबसे पहले क्या करा, अपने जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे प्रोड्यूसिंग सेक्टर तक पहुंचा दिया। लेकिन आप इस बात को समझिएगा कि आपका जितना पैसा हाउस होल्ड पे गया वो सारा का सारा पैसा जो उसने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं कराया हाउस होल्ड ने। हाउस होल्ड पे अगर 20,000 रुपए गया तो इसमें से मान लीजिए 15,000 रुपए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा, ठीक है, बाकी पैसे नहीं करे। कुछ पैसा कहां गया हाउस होल्ड से, देखिएगा, एक कुछ पैसा तो हाउस होल्ड ने क्या करा, सेविंग में डाल दिया जो कि कैपिटल मार्केट में गया, और कैपिटल मार्केट से बोरोइंग लेकर के वापस पैसा फर्म पे पहुंच गया, बात समझ रहे हैं। और कुछ पैसा हाउस होल्ड से कहां गया, हाउस होल्ड ने कुछ पैसे को टैक्स पे कर दिया, गवर्नमेंट को टैक्स पे करा, जो हाउस होल्ड पे जो भी पैसा आया था, जो भी फैक्टर पेमेंट फर्म ने करा था, उसमें से एक तो कंजम्पशन पे खर्च करके फर्मों को लौटा दिया गया पैसा, और बाकी जो पैसा हाउस होल्ड पे था उसमें सेविंग करके कैपिटल मार्केट में डाला, कैपिटल मार्केट से प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने वापस उठा लिया, और जो है यहां से एक टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कर दिया प्रोड्यूसिंग सेक्टर पे, उसके अपने कुछ फर्म है वहां पे एक्सपेंड कर दिया, या फिर अदर वे में गवर्नमेंट ने क्या करा, उसको सब्सिडी दे दिया। तो इस माध्यम से पैसा वापस कहां पहुंच रहा है, सारा पैसा जो है, जो कि मॉनेटरी विड्रॉल है, वापस वो इकोनॉमी में आकर के इकोनॉमी में काम कर रहा है। इस बात को आप समझे या नहीं समझे बताइए जरा, क्लियर है। अब वो इंग्लिश में हिंदी में तो सेम ही बनेगा ना आपका, अलग अलग थोड़ी बनेगा, बताइए जी, पहले बताओ ये बात समझ में आपको आ रही है या नहीं आ रही है, जरा बताइए, आप ईमानदारी से बता दें जी। कैट प्लस गवर्नमेंट जॉब का बैच मंडे से स्टार्ट है आपका, सुबह की टाइमिंग है उसकी 8:15, सुबह 8 बजे की क्लास की टाइमिंग रहेगी उसकी। चलिए मैं फिर से बता देता हूं क्या हुआ, देखिए जरा, सबसे पहले पैसा कहां से निकलता है, सबसे पहले पैसा एक प्रोड्यूसिंग सेक्टर से निकलता है, किस वे में निकलता है, वेजेस पे करता है लोगों को, इंटरेस्ट देता है जिससे कैपिटल ले रखा है, रेंट देता है इसका लैंड यूज कर रहा है, एंड प्रॉफिट देता है। तो फर्म पैसा पकड़ाती है किसको, हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड उस सारे पैसे को जो है खर्च नहीं करती है, उसमें से क्या करती है, कुछ पैसे को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है और वापस प्रोड्यूसिंग सेक्टर पहुंचा देती है। लेकिन जो बाकी पैसा, सारे पैसे खर्च नहीं करे, जो पैसा बच गया वो गया कहां, जो पैसा हाउस होल्ड ने क्या करा, एक तो सेविंग कर ली, सेविंग कहां पर करी, कैपिटल मार्केट में, कैपिटल मार्केट से बोरोइंग हो गई फर्मों के थ्रू, और फर्मों में पैसा वो वापस पहुंच गया। और जो पैसा हाउस होल्ड ने टैक्स पे करा किसको, गवर्नमेंट सेक्टर को, गवर्नमेंट ने क्या करा, उस पैसे को जो है
एक तरीके से गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कर दिया, किस पर, फर्मों पे, रेलवे पे खर्च कर दिया, फर्मों पे चला गया पैसा, और या फिर गवर्नमेंट ने क्या करा, इसको सब्सिडी दे दिया तो वापस फर्मों पे पहुंच गया वो पैसा। तो इस तरीके से सारा का सारा पैसा जो कि एक प्रोड्यूसिंग सेक्टर से निकला था, वो सारा पैसा वापस के वापस कहां पहुंच गया, वो पैसा सारा का सारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर पे रिटर्न आ गया। क्लियर है, ये उसी बात को कहेगा, कुछ नया इसमें बोलने के लिए इसके पास में है नहीं। देखिए थ्री सेक्टर मॉडल, तो थ्री सेक्टर मॉडल में क्या है, दिस मॉडल इज मोर क्लोज टू द रियल लाइफ सिचुएशन। रियल लाइफ सिचुएशन में, रियल लाइफ में तो दो इकोनॉमिक मॉडल होता ही नहीं है, आप भी जानते हैं, फर्म और हाउस होल्डर, सरकार है ही नहीं, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा है नहीं, वो दूर है थोड़ा रियल लाइफ से, ज्यादा क्लोज थ्री मॉडल है, क्योंकि रियल लाइफ में गवर्नमेंट का रोल होता है। इन दिस मॉडल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट हैव ऑल्सो बीन द अकाउंटेड फॉर, भाई गवर्नमेंट भी यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है। हाउएवर वी कंटिन्यू टू अज्यूम दैट द इकोनॉमी इज अ क्लोज इकोनॉमी, लेकिन अभी भी क्लोज इकोनॉमी है, यहां पर अभी फॉरेन से कुछ आया गया नहीं है, अभी देश के अंदर ही काम हो रहा है, इसलिए इसको क्लोज इकोनॉमी मॉडल कह रहे हैं। जो फोर इकोनॉमी मॉडल मैं आपको बताऊंगा उसमें मैं फॉरेन मार्केट भी लूंगा, इसके अंदर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट लूंगा। क्लियर है जी, पहले आप इसको समझिएगा। हाउएवर वी कंटिन्यू टू अज्यूम दैट द इकोनॉमी इज क्लोज इकोनॉमी, इट मीन्स द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉरेन सेक्टर। थ्री इकोनॉमी मॉडल है बेटा, इसके अंदर जो है मैंने फॉरेनर अभी सेक्टर लिया ही नहीं है, फॉरेन सेक्टर, इसलिए ये क्लोज इकोनॉमी मॉडल है और फॉरेन सेक्टर से इफेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, द इनकम रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ द टैक्स फ्लो टू प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी तो टैक्स पे करती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो गिव सब्सिडी टू द प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड ट्रांसफर पेमेंट टू द हाउस होल्ड सेक्टर। फर्म, जो फर्म के ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, ओल्ड एज पेंशन दे देना, आपके कॉलेज में स्कॉलरशिप के तौर पर 2,000-3,000 रुपए दे देना, जो पैसा सरकार के द्वारा कैश पब्लिक के सहायता के लिए पब्लिक को कैश अकाउंट में डाला जाता है, इसे ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं, इसे यूनिलेटरल पेमेंट भी कहते हैं। क्लियर है जी। अ पार्ट ऑफ इनकम अर्न्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पे जो भी पैसा आता है इज सेव्ड दैट द एंटायर द कैपिटल मार्केट। भाई सरकार में जो भी पैसा आता है सरकार सब्सिडी फर्म को दे देगी, ट्रांसफर पेमेंट पब्लिक को वापस रिटर्न कर देगी, या तो उसको जो है कैपिटल मार्केट में सेव कर लेगी। गवर्नमेंट आल्सो टेक्स लोन, भाई सरकार भी लोन लेती है, क्यों नहीं लेती है, गवर्नमेंट लोन नहीं लेती क्या, गवर्नमेंट कंपनी डिवेंचर इशू नहीं करती अपनी कंपनी की, तो वहां पर डिवेंचर इशू करने का मतलब क्या हुआ, वो पब्लिक से लोन ले रही है तो गवर्नमेंट भी लोन लेती है। लोन फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, बैंकों से लोन क्यों नहीं लेती है सरकार, सरकारी बैंकों से लोन लेती है। आइदर टू द मीट करंट एक्सपेंडिचर, क्यों लोन लेती है, अपने करंट एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए, टू मेक इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, या तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्लियर है जी, ये बात आपको समझ में आए। इकोनॉमी फ्लो इनटू द गवर्नमेंट सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ द टैक्स रिवेन्यू एंड इनटू द प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मॉडल थ्री, द सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम अकाउंटिंग फॉर द गवर्नमेंट एक्टिविटीज इन द गवर्नमेंट स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ द टैक्स फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग एंड हाउस होल्ड सेक्टर। जो गवर्नमेंट है वो एक प्रोड्यूसिंग सेक्टर से भी टैक्स लेती है, मतलब कि फर्मों से भी टैक्स उसके पास में आता है, हाउस होल्ड से भी टैक्स उसके पास में आता है। जो हाउस होल्ड से टैक्स आया तो, और जो फर्मों से टैक्स आया, ये सारी जो उसकी इनकम है वो हाउस होल्ड में ट्रांसफर पेमेंट भी कर रही है, वो फर्मों को सब्सिडी भी दे रही है, या फर्मों पर वो एक्सपेंडिचर भी कर रही है, जो पैसा आया वापस फर्मों से, वो गवर्नमेंट से निकल रहा है। देन द सेम विल बी फ्लो बैक टू दिस वेरी सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ द सब्सिडीज एंड ट्रांसफर पेमेंट एंड द अदर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये पैसा बैक हो जाता है। इन दिस वे सर्कुलर फ्लो ऑफ द नेशनल इनकम कंटिन्यूज टू बी अ स्टेट ऑफ बैलेंस, अभी भी बैलेंस बना रहता है। इस पे जो लीकेज होता है, जो इस पे मॉनिटरी विड्रॉल होता है, वो वापस इकोनॉमी के अंदर आ जाता है। क्लियर है जी। अब आगे हम पढ़ते हैं यहां पर थ्री सेक्टर इकोनॉमी मॉडल को, जो हमने पढ़ लिया, मैंने समझा भी दिया आपको ये। हाँ जी, तो अब फोर सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो, तो फोर सेक्टर में चौथा सेक्टर कौन सा इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, चौथा सेक्टर इसमें फॉरेन सेक्टर है। और जब भी फॉरेन सेक्टर आएगा, तो फॉरेन सेक्टर आने का मतलब क्या होता है कि हम उनसे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं तो मतलब क्या होता है, पैसा विदेशों में चला जाता है, और हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करना मतलब सामान को बेचना, विदेशों से पैसा वापस आ जाता है। इस बात को समझते हैं, जरा हम इसको एक फ्लो के माध्यम समझते हैं। देखिए जरा, जीरा पूरा पूरा आप जरा समझने की कोशिश करो। सबसे पहले भैया शुरुआत कहां से होगी, प्रोड्यूसिंग सेक्टर से शुरुआत होगी भैया, ठीक है। कैसे, प्रोड्यूसिंग सेक्टर से सबसे पहले क्या जाएगा, फैक्टर पेमेंट जाएगा, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेंट, किस पे,
हाउस होल्ड दे, वो प्रोसेस सेम रहेगा। हाउस होल्ड क्या करेगी, इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे खर्च कर देगी पैसा, सारा पैसा खर्च नहीं करेगी, कुछ पैसा हाउस होल्ड क्या करेगी, सेविंग कर लेगी जो कैपिटल मार्केट में चला जाएगा और कैपिटल मार्केट से बोरोइंग के तौर पर ये प्रोड्यूसिंग सेक्टर वापस ले लेगी। हाउस होल्ड कुछ पैसा क्या करेगी, हाउस होल्ड कुछ पैसे को जो है टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देगी, क्लियर है, और गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इसको जो है वापस बैक ट्रांसफर पेमेंट के तौर पर वो हाउस होल्ड को वापस पैसा दे देगी, क्लियर है जी। और हाउस होल्ड और इसके बाद जो गवर्नमेंट सेक्टर है इसके पास में टैक्स सिर्फ एक हाउस होल्ड सेक्टर से नहीं आएगा, टैक्स इसके पास में प्रोड्यूसिंग सेक्टर से भी आएगा, जो कि गवर्नमेंट जो हाउस होल्ड से इसने जो टैक्स लिया ट्रांसफर पेमेंट करके रिटर्न कर दिया, और जो इसके पास में प्रोड्यूसिंग सेक्टर से जो टैक्स आया सब्सिडी देकर इसने रिटर्न कर दिया, और कुछ पैसा इसने जो है गवर्नमेंट ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया जो कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर पे चला गया। तो सिर्फ हाउस होल्ड ही कंजम्पशन नहीं करता है, गवर्नमेंट भी कंजम्पशन करती है। गवर्नमेंट कैसे कंजम्पशन करती है, मान लीजिए जो सरकारी अस्पताल है जो वहां पर दवाइयां जो फ्री में उपलब्ध है वो गवर्नमेंट कंजम्पशन माना जाता है, क्लियर है। जो आपके सरकारी स्कूल है उसमें जो खान जो मिड डे मील है वो गवर्नमेंट कंजम्पशन माना जाता है। तो गवर्नमेंट जो जैसे परिवार कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रही है तो पैसा फर्मों तक जा रहा है, तो अगर गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगी तो पैसा फर्मों तक क्यों नहीं जाएगा, वो मिड डे मील पैसा क्यों नहीं जाएगा, वो मेडिसिन में जो खरीद में खर्च कर रही है पैसा क्यों नहीं जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं आप, क्लियर है। कैपिटल मार्केट से बोरोइंग का मतलब बच्चे, एक फर्म जब बैंक के पास जाती है या किसी भी फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशन के पास में जाती है, इट मींस LIC पे या बैंक पे जिसके पास में पैसा है वहां जाकर करके उधार लेती है, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो उन सबको कैपिटल मार्केट कहते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं, कैपिटल मार्केट कहते हैं। आइए सर्कुलर फ्लो को फिर से एक बार समझते हैं, देखिए जी बिल्कुल जोरों शोरों से और बिल्कुल जोश से इस बात को हम समझेंगे। देखिएगा फैक्टर पेमेंट सबसे पहले क्या हुआ, एक प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने क्या करा, फैक्टर पेमेंट करा हाउस होल्ड को, ठीक है। हाउस होल्ड ने क्या करा, ये पैसा उठाया सारा का सारा नहीं बट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया किसको, प्रोड्यूसिंग सेक्टर को। लेकिन हाउस होल्ड से कुछ पैसा कहां हो गया, सेविंग में, और सेविंग से कैपिटल मार्केट में चला गया, और कैपिटल मार्केट मतलब बैंक बैंक में LIC वगैरह में पैसा रख दिया बचा, जो बचत थी। यहां से पैसा उधार कौन लेके चला गया, प्रोड्यूसिंग सेक्टर उठाकर लेके चला गया जो पैसा सेविंग में हुआ, और परिवार ने कुछ पैसा टैक्स सरकार को दे दिया, और जो सरकार को टैक्स दिया सरकार ने पैसा वापस भी तो कर दिया ट्रांसफर पेमेंट के तौर पर फैमिली को, हाउस होल्ड को। मेरी बात समझे समझे। और कुछ पैसा जो कि हाउस होल्ड को नहीं गया, जो कुछ पैसा सरकार पे बच गया है, सारा पैसा थोड़ी रिटर्न कर देगी, उसको सरकार ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर लिया, और जैसे हाउस होल्ड ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा था, हाउस होल्ड ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा था तो फर्मों तक पहुंचा था, ऐसे सरकार कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगी तो फर्मों तक वो पैसा पहुंच गया, तो चलिए परिवार का पैसा तो ठिकाने लग गया। अब बात करते हैं हम गवर्नमेंट का पैसा, गवर्नमेंट पे टैक्स कहां से आया, हाउस होल्ड प्रोड्यूसिंग सेक्टर से आया, और इसने क्या करा, इसको सब्सिडी दे दिया, तो सरकार का पैसा ठिकाने लग गया। अब हम बात करते हैं, तीन सेक्टर की तो बात हो गई है, अब बात करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसकी बात करते हैं, चौथा सेक्टर जो है ये क्या हुआ। यहां पर आप देखेंगे, मेरी बात आप समझेंगे कि अगर हम देखिएगा, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास में पैसा क्या होगा, आ जाएगा। अगर आप भाई कोई फर्म अगर एक्सपोर्ट कर रही है, बाहर कोई सामान बेच रही है तो पैसा आएगा, और अगर इंपोर्ट कर रही है तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में पैसा जाएगा। अगर हम विदेशों से कोई सामान खरीद रहे हैं तो फिर विदेशों को पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो हमारी पेमेंट बाहर जा रही है, लेकिन अगर विदेशों को बेच रहे हैं तो फिर विदेशों से पेमेंट अंदर आ रही है, तो इस तरीके से वो बैलेंस ये सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ में नहीं चलता है, लेकिन ये पैसा इसी तरीके से घूमता है, इस बात को समझाने के लिए इकोनॉमी मॉडल है। मेरी बात समझे। ट्रांसफर पेमेंट का क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए आपके गली मोहल्ले में कोई मांगने वाला आ गया सुबह सुबह कि भैया जो हमें कुछ दान दक्षिणा दीजिए, और आपने उसको दान दक्षिणा दे दिया, बदले में आपने उससे कुछ काम नहीं करवाया, आपने कोई सर की जो है मसाज साज आपने ऐसा नहीं बोला 10 रुपए दे करके कि थोड़ा हाथ दबा दे भाई, मतलब कि बिना किसी काम के बदले में आप उसका पैसा दे रहे हो, वो पैसा आपका ट्रांसफर पेमेंट है। मेरी बात समझे समझे। किसी के मदद के तौर पर आप दे रहे हो, जो पापा आपके पॉकेट मनी देते हैं वो ट्रांसफर पेमेंट है। मेरा कहने का मतलब है बदले में कोई रिटर्न में आप गुड्स एंड सर्विसेज नहीं दे रहे हो। मेरी बात समझे। सर गवर्नमेंट हाउस होल्ड को पैसा कैसे देती है, ओल्ड एज पेंशन, जो लोग वृद्धा है उसके अकाउंट में पैसा डाल देती है, लेबर कार्ड बनवा रहे हैं आजकल लोग, हर जो लेबर है उसी का लेबर कार्ड नहीं है, बाकी सबका लेबर कार्ड हो चुका है दिल्ली में, तो लेबर कार्ड जो है बनवा रही है,
तो उसके अकाउंट में पैसा डाल देना। क्लियर है? स्कूलों में आप पैसा बच्चों के हाथ में 500 हजार रुपये दे देना, इस सबको ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं जो गवर्नमेंट करती है लोगों के ऊपर। वो टैक्स का पैसा तो करते हैं। और पूछिए कोई डाउट पे, जो भी छोटे मोटे डाउट हो सारे डाउट पूछिए यार, पूरा सोच समझ के प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करते हुए पढ़ना है आपको। बताइए कोई डाउट है तो। देखिए आंसर्स को मैंने पॉइंट पे लिखने की कोशिश की है, लास्ट टाइम थ्योरी पढ़ने को आपको दिक्कत हो रही थी, मैंने इस तरीके से आपको आंसर को पॉइंटों में लिखा है कि आय के चक्रीय प्रवाह का यह संपूर्ण मॉडल है, यह पूरा कंप्लीट मॉडल है। इसमें खुली अर्थव्यवस्था है, ओपन इकोनॉमिक मॉडल है क्योंकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, परिवार क्षेत्र है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जैसे मैंने समझाया भी है। आय के चक्रीय प्रवाह के दृष्टिकोण से प्रत्येक क्षेत्र दोहरी भूमिका निभाता है, हर क्षेत्र दोहरी भूमिका निभा रहा है। प्रत्येक क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों को कुछ भुगतान करता है, दूसरे क्षेत्र से कुछ भुगतान प्राप्त भी करता है, सरकार प्राप्त कर रही है और बदले में दे भी रही है। विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले आय के चक्रीय प्रभाव को इस क्षेत्रों के निम्नलिखित क्रियाओं के रूप में किया जा सकता है, जैसा आप देख पा रहे हैं। परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र से साधन आय फैक्टर इनकम, जैसे कि वो रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड वेजेस वो लेती है, इसे सरकारी क्षेत्र से कुछ स्थानांतरण भुगतान भी प्राप्त होता है। परिवार में पैसा दोनों तरफ से आता है, फर्मों से भी कमाती है और सरकार भी कुछ अकाउंट में डाल दे रही है। इस प्रकार साधन आय का स्थानांतरण भुगतान के रूप में आय का प्रवाह परिवार क्षेत्र की ओर हो जाता है, जो भी कंजम्पशन करती है। परिवार क्षेत्र अपनी आवश्यकता की उपभोक्ता वस्तु सेवाओं को खरीदने के लिए उत्पादक क्षेत्र को भुगतान कर देती है, पेमेंट कर देती है। कैपिटल मार्केट के बारे में बच्चे में कैपिटल मार्केट देखिए, बीच बीच में अगर आप ज्वाइन होंगे तो कैसे मैं बता पाऊंगा, बार बार रिपीट करूंगा एक बात को। कैपिटल मार्केट क्या होता है? जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसका काम है डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और बदले में लोन देना, उसे हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर समझिएगा, आप एक बैंकिंग सिस्टम को समझ लीजिए, ये भी एक कैपिटल मार्केट है। बैंकों में पैसा आप डिपॉजिट करते हैं, वो आपके पैसे को, आपकी सेविंग जो इन्वेस्टमेंट हो गई है उस इन्वेस्टमेंट को उठा करके, आपको क्या लगता है आपने आज बैंक में 10 हजार रुपये जमा करवाए तो बैंक ने पॉकेट बनाया एक लिफाफा, उस पर आपका नाम लिख करके गले में चाबी लिख करके रख दिया, कभी भी आप लेने आओगे तो आपको रिटर्न हो जाएगा? भैया ऐसा नहीं होता है, वो पैसा आपका लोन पे चला जाता है। तो ये जो आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट होती है वो कैपिटल मार्केट में होती है, और कैपिटल मार्केट से बोरोइंग होकर के वो पैसा फर्मों तक वापस चला जाता है। क्लियर है जी? फॉरेन सेक्टर क्या होता है? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, जैसे मैं भारत की बात करूं तो भारत को छोड़ करके पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं वो सारे फॉरेन सेक्टर में आ जाते हैं। क्लियर है? अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा पैसा विदेशों में चला गया, और अगर हमने एक्सपोर्ट करा तो विदेशों से पैसा हमारे भारत में आ गया। तो जो पैसा गया उस तरीके से पैसा आता भी रहता है, तो इस तरीके से ये सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। अब बताइए कोई डाउट है तो। भैया क्लियर है जी? तो गवर्नमेंट जॉब एंड कैट, एक गवर्नमेंट जॉब का पेपर मई में है और उसका फॉर्म जो है मार्च में निकलेगा, तैयारी आप उसकी अभी से कर सकते हैं, आसान पेपर आने वाला है। तो उसके जो है बच्चों ने कोर्स ले लिया है, काफी ज्यादा बच्चों ने लिया है वो कोर्स, तो मंडे से उसकी क्लासेस स्टार्ट है, सुबह 8 बजे की उसकी टाइमिंग है, और आज दिन बुधवार हो चुका है, तो वीरवार शुक्रवार शनिवार सिर्फ 3 दिन आपका बचा हुआ है, और शनिवार को शायद मैं लाइव आकर के आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे आपको नोटबुक अपने रजिस्टर लगाना है, बुक क्या रहेगी क्या रहेगा, सब कुछ मैं आपको जो बच्चों ने कोर्स ले रखा है उस पेड कोर्स में आकर के मैं उस चीज के बारे में बताऊंगा। वो तो खैर वो बात हो गई है, बट फिलहाल अभी इकोनॉमिक्स का कोर्स चल रहा है, ये आपको समझ में आया या नहीं आया आप ये बात कीजिए। अब ये मैनेजमेंट, ये तो आपको सर बता पाएंगे, मुझे इसका भी आइडिया नहीं है। आपके जो टीम है जिसके कांटेक्ट में आप हैं टीम के मेंबर से, आप उससे पूछेंगे, वो आपको कंफर्म कर देंगे। क्लियर है जी? मिले फिर अगली कक्षा में।